हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को टीम देने वाला हूँ पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद की। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास कमरान अकमल है, लिव क्रॉन्ची है। तो ये आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन है, आप चाहें तो किसी के भी साथ जा सकते हैं। लिव क्रॉन्ची ने हाल ही के पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, आप चाहें तो लिव क्रॉन्ची या कमरान अकमल के साथ जा सकते हैं। मैं जाना चाहूँगा कमरान अकमल के साथ। आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास मोहम्मद हफीज़ है, जेपी डुमनी है, तमीम इकबाल ये मैच नहीं खेल रहे हैं, एलेक्स सेल्स भी नहीं है आपके पास, मिसबाउल हक है, नीचे रिक्की वेसल्स हैं, शब्बीर रहमान आपके पास नहीं है, आसिफ अली के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाना चाहूँगा जेपी डुमनी के साथ। मोहम्मद हफीज़ को मैं नहीं ले रहा हूँ, आप चाहें तो पिक कर सकते हैं इन्हें, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं। मैं जाना चाहूँगा नीचे रिक्की वेसल्स के साथ और मिसबाउल हक के साथ। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास आंद्रे रसल ये मैच नहीं खेल रहे हैं, डेरन ब्रावो भी नहीं है आपके पास, आप चाहें तो ड्वेन स्मिथ के साथ जा सकते हैं, समित पटेल के साथ जा सकते हैं। नीचे आपके पास हुसैन तलत और लियाम डॉसन है, तो मैंने जाना चाहूँगा लियाम डॉसन के साथ, समित पटेल के साथ और ड्वेन स्मिथ के साथ। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में आपके पास हसन अली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, आप हसन अली के साथ जा सकते हैं। फ़हीम अशरफ के साथ मैं जाना चाहूँगा, मैं शदब खान के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि पिछले मैच में ऊपर इनको बैटिंग करने भेजा था काफ़ी, और इन्होंने बढ़िया लगभग 32 स्कोर किया था, तो मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। वहाब रियाज के साथ जाना चाहूँगा और मोहम्मद शमी के साथ, आप चाहें तो स्टीवन फिन के साथ जा सकते हैं। और समीन गुल का कन्फर्म नहीं है खेलना, तो आप इनके साथ मत जाइए, उतना बढ़िया रहेगा। आइए करते हैं सेफ टीम और देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट कैप्टन जेपी डुमनी हो सकते हैं, कमरान अकमल, लियम डॉसन हो सकते हैं, ड्वेन स्मिथ हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लियम डॉसन के साथ एज ए कैप्टन जाना चाहूँगा और कमरान अकमल के साथ एज ए वाइस कैप्टन। आप चाहें तो लियू क्रॉन्ची को विकेट कीपर सेक्शन में ले सकते हैं, स्मॉल लीग में भी वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज वो उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। जेपी डुमनी आपके पास काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, आप इन्हें स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं। मिसबाउल हक के साथ आप जा सकते हैं, पर ग्रैंड लीग में जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रिक्की वेसल्स को आप ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, शादब खान को ट्राई कर सकते हैं, फहीम अशरफ को कर सकते हैं। तो मैंने प्लेइंग 11 डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। थैंक यू।